দুটি বন্দরকে কাজে লাগানোর জন্য অনুমতি দিয়েছে। আগামী শনিবার কলকাতা বন্দর থেকে বাংলাদেশ হয়ে উত্তর পূর্ব ভারতের মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরামের মতো দূরবর্তী রাজ্যগুলিতে কার্গো মারফত জলপথে পণ্য পরিবহন শুরু হবে। ছদিন সময় লাগবে গন্তব্যে পৌঁছতে। শ্যামাপ্রসাদ পোর্ট কলকাতার চেয়ারম্যান বিনীত কুমার এই কার্গো পরিষেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। प्रधानमंत्री जी की गाइडेंस में और हमारे शिपिंग मंत्रालय की गाइडेंस में 2014 में जो है इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल रूट का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उस एग्रीमेंट के अंदर तहत जो है कोस्टल रूट में और इनलैंड वाटरवे रूट में, दोनों रूट में दोनों देश एक दूसरे को सुविधाएं देते हैं जिससे कि दोनों की कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो। उसी को आगे लेते हुए आज से करीब 2020 जून में हमने एक पहला ट्रायल किया था कि कैसे नॉर्थ ईस्ट को हम रिवर रूट, सी रूट और लैंड रूट के माध्यम से बांग्लादेश के थ्रू ट्रांजिट करके कैसे हम नॉर्थ ईस्ट को कलकत्ता से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके चलते हम लोगों ने पहला ट्रायल किया था यहाँ से चट्टोग्राम पोर्ट, और चट्टोग्राम पोर्ट से जो हमारा कार्गो था वो त्रिपुरा गया था। तो भारतीय कार्गो, इंडियन कार्गो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट ले जाने के लिए पानी के जरिए पहले जाएगा बांग्लादेश और बांग्लादेश से लैंड रूट से जाएगा। तो एक ट्रायल तब सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद पीछे करीब 6 महीना पहले हमारी मीटिंग हुई जिसमें ये डिसाइड किया गया कि और 4 ट्रायल किए जाएं जिससे कि मुंगला और चट्टोग्राम पोर्ट का हम इस्तेमाल कर सकें मेघालय को, असम को और त्रिपुरा को कनेक्ट करने के लिए। तो आज जो ये ट्रायल हो रहा है यहाँ से 2 कंटेनर जा रहे हैं, सामान जा रहा है जिसमें एक इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स का एक और सामान है जो कि यहाँ से मुंगला पोर्ट जाएगा, मुंगला पोर्ट से क्लियर होके नदी के रास्ते जाएगा इनलैंड वाटरवे रूट से, वहाँ से मुंगला पोर्ट से वो एक जाएगा डाउकी जो कि मेघालय बॉर्डर है, और दूसरा जाएगा एक और अपना बीबीर बाजार। राज्य शोषो गोला हिसाब से परिचित।